तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि रेनी सीज़न आ रहा है और रेनी सीज़न के साथ साथ हमारी बाइक के अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम है कि हमारी बाइक के पेट्रोल टैंक के अंदर ना बहुत जल्दी पानी चला जाता है, बारिश का पानी। तो इसको सेव करने का क्या तरीका है और किस तरीके से हम इसे सेव करेंगे? देखो यार, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है अभी के टाइम पे और एक पहले के टाइम पे जैसे कि मेरे पापा के पास स्टार सिटी है, ठीक है, 2008 मॉडल है, तो उस टैंकी के अंदर ना कभी एक प्रॉब्लम कभी नहीं आई कि उसके अंदर बारिश का कभी पानी गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो पेट्रोल टैंक जो बनाया हुआ है ना, उस पेट्रोल टैंक के ऊपर ना, जैसे कि हम पेट्रोल का टैंक का एक शेप ले रहे हैं, तो उसके ऊपर ना थोड़ा सा इतना ऊँचा एक वॉल बना रखी है, यानी कि उसकी जो कॉर्नर की जो साइड है जहाँ पे हम पेट्रोल की कैप लगाते हैं वो थोड़ा सा ऊंचा बना रखा है। ऊंचा बनाने से क्या होता है, और जो उसका पेट्रोल का वो कवर है, वो कवर ना पूरा का पूरा जब हम उसे लगाते हैं, तो उसे लगाने के बाद ना वो पूरा पेट्रोल टैंक के मतलब 1 mm या 2 mm का थोड़ा सा गैप आता है, जिससे कि पेट्रोल टैंक के अंदर कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस चीज़ के अंदर ना, एक तो ये वाली अगर पेट्रोल टैंक है तो इसके अंदर तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार पेट्रोल मतलब बारिश का पानी उसके अंदर चला जाए। दूसरी चीज़ इसी के अंदर मैं एक और आपको बात बता देता हूँ। दूसरी बात जो है, जो उसके ऊपर का कैप होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे हम चाबी लगाते हैं उसके ऊपर एक कैप लगा होता है, पहले हम कैप हटाते हैं फिर चाबी लगाते हैं। अगर आपकी बाइक के पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल टैंक की जो वो लॉक है उसका अगर ऊपर का हुक टूटा हुआ है तो यार उसको आप चेंज करवा लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चेंज होगा तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। वैसे तो कंपनी एक काम और भी अच्छा करती है कि चाबी लगाने वाली जगह पे, जैसे कि हमारे इग्निशन ऑन करते तो वहाँ पे एक ऊपर छोटी सी एक एल्युमिनियम की वो लगी होती है, एल्युमिनियम कह रहा हूँ, एक एल्युमिनियम की एक वो लगी होती है कवर सा, जिससे कि चाबी डालो फिर एकदम से निकाल दे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी ये चीज़ कहीं ख़राब ना हो, ऊपर का हुक जो होता है वो ख़राब ना हो। दूसरी बात, आपकी जो बाइक सारी, जैसे कि मेरे पास ग्लैमर है और दूसरा अभी पल्सर ले लो, अपाची ले लो या जितने भी NS ले लो या कोई भी ले लो आप, ठीक है, अब क्या होता है, अब ना इस तरीके से सरफेस बना तो बिल्कुल प्लेन, यानी कि पूरा प्लेन सरफेस बना होता है, यानी कि उसका जो कैप होता है उसी के अंदर ही लग जाता है टैंक के अंदर, ऊपर से वो कवर हो जाती है। देखो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी पानी जाता है, ऐसी बात नहीं कि वो भाई बना दे पानी नहीं जाता, पानी उसके अंदर भी जाता है, लेकिन उसके अंदर ना आप साइड में छोटा सा होल देखोगे, ठीक है, एक स्लाइड सा बना होता है, बहुत हल्का सा ऐसे स्लाइड बना हुआ होता है उस होल के अंदर से, जैसे बारिश का पानी होता है तो वो पानी उसके अंदर जाके तुरंत पेट्रोल की टैंक के नीचे से निकल जाता है। अब इस चीज़ को आपको क्लियर करना है, यानी कि अब आपको उस चीज़ को साफ़ करना है। हम लोग उस चीज़ को कभी भी ध्यान नहीं देते कि यार इसको साफ़ करना, हम हमेशा भूल जाते हैं या कुछ भी होता है, कभी हम पेट्रोल ज़्यादा डालते हैं वो हल्का सा होल में जाके निकल के क्लीन हो जाती है। पहली बात देखो यार, सबसे पहली चीज़ उसको अगर आपको क्लीन करनी है, क्लीन करना उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको क्लीन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम उस पर क्लीन नहीं करेंगे, पिछले साल मेरी बाइक में यही दिक्कत आ रही थी, बारिश का टाइम आया नहीं और भाई उसके अंदर पानी जाए जा रहा है, इतना तो मेरा पेट्रोल ही बर्बाद हो गया था। तो आप लोगों को करना क्या है, एक तो सबसे पहले ना उस होल के अंदर ना थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेना, पेट्रोल इस तरीके से डलवा लो कि थोड़ा सा यार ले लो, अगर आगे का पेट्रोल सेव करना है तो थोड़ा सा पेट्रोल ले लो और थोड़ा सा डाल दो, तब तक डालो जब तक वो नीचे से थोड़ा सा जो वो साइड में से ना वो नीचे से निकलने ना लगे। उससे क्या होगा कि जितनी भी गंदगी होगी ना वो सारी क्लीन हो जाएगी। दूसरी बात, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, एक कोई भी पतली सी आप डंडी ले लो जो उस होल के अंदर घुस जाए और आराम से उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करें। भाई सबसे बड़ी बात है, वो डंडी आप डाल रहे हो तो ये ना हो कि यार वो डंडी जाके टूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल लेना, ठीक है, कहीं ये ना हो कि उसके अंदर आपने क्लीन करने के लिए रखा और वो वहीं पर टूट गए, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब एक और चीज़ आई है मार्केट में, अभी आई है, वो है एक मतलब पेट्रोल टैंक के अंदर ही, मतलब जो वो कैप होती है उस कैप को ही कवर कर लेती है, वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी अभी हाल फिलहाल ही में लूँगा उसको, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो जो जिसने भी बनाया बहुत अच्छे तरीके से बनाया, पूरा कवर है। चैन खोलो, चैन खोलने के बाद उसको कैप को ऊपर कर दो, उसके बाद फिर पेट्रोल डलवाओ, फिर उसके बाद वापस बंद कर दो। लेकिन अगर इससे अच्छी मैं अगर तुम लोगों को एक और आइडिया दूँ तो वॉट इससे बढ़िया, तो आप ये एक अलग सी चीज़ थी कि मतलब वैसे बचाने के लिए कि पानी ना जाए, अगर आप इससे अच्छा कर सकते हो तो आप एक काम करो कि यार कवर ही ले लो, टोटली बाइक का कवर ही ले लो, वाटरप्रूफ कवर लेना, थोड़ा सा वो आता है 250 या 300 या
250 या 300 के बीच में। एक बार याद रख लेना, एक लोकल कवर भी आता है, उसमें क्या होता है कि पानी अंदर चला जाता है, फिर वो वाले जो पानी अंदर चला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको पूरा वाटरप्रूफ लेना है यार, ये बहुत अच्छी बात है कि वाटरप्रूफ लो, ठीक है। अब वाटरप्रूफ से उससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी अपनी बाइक खड़ी करते हो, ठीक है, और बारिश के टाइम पर तो ज़्यादातर कोशिश करो कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि सोचते हैं बारिश में खड़ी करो तो धुल जाएगी, ये हो जाएगी, यार नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसिड रेन गिरता है, वो हमारे उसको पेट्रोल के टैंक के कलर को ख़राब कर सकता है। तो आप सीधी सी बात है, कवर ले लो, बहुत अच्छी बात है, मिट्टी से भी बचेगी, इन सब चीज़ों से बचेगी। अगर आप नहीं लेना चाहते तो एक बार ही आप ना उसको साफ़ करवा लो तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम आ रहा है यार, और ये बहुत सारे लोगों के लिए ना एक प्रॉब्लम आती है कि यार बार बार पेट्रोल टैंक पर पानी चला जाता है, बार बार पेट्रोल टैंक पर पानी चला जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा सॉल्यूशन बताया है आप लोगों को, और जो मैं आपको उस कवर की बात कर रहा हूँ वो आप ऑनलाइन ऑनलाइन मत लेना, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों को अपने मैंने कभी नहीं बोला क्या, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या ये वो, आप ऑफलाइन ले लो, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है थोड़ा सा वो चीप पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा इसका बहुत सारा झमेला होता है। तो आप सीधा सीधा ऑफलाइन ले लो मार्केट में जाके, अगर आप मेरे मतलब नोएडा में रहने वाले हो तो आप सेक्टर 9 की मार्केट से ले लो, या फिर दिल्ली में रहने वाले तो करोल बाग साइड से ले लो, वरना वो आप कहीं भी पता कर लो, ठीक है। ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मैं ये दूँ, तो बहुत छोटा सा काम था, ये मैंने आपको दे दिया। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना होगा, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है जो हम खराब करने से। तुम लोगों को पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा होगा, इस बार मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ज़्यादातर लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैं कहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। भाग के अंदर ही मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अभी सेटअप नहीं है कुछ भी, तो इतनी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो ओके, बाय।